Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, सिविल नॉलेज पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, जैसे कि आप कोई भी हाइवा और डंपर से बालू या एग्रीगेट खरीदते हैं तो उसकी वॉल्यूम निकालना कि कितना बालू और इस एग्रीगेट आया है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसकी जो लेंथ है और हाइट और ब्रेथ क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ डंपर LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका लेंथ टॉप लेंथ जो होता है, टॉप लेंथ L1 मान के चलते हैं, इसका 6 मीटर है और बॉटम लेंथ 5.5 मीटर है। एंड इसकी जो ब्रेथ है 1.7 दिया गया है एंड इसकी हाइट 2 मीटर दिया गया है। तो इसी को मेजरमेंट करने के लिए हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डंपर LBH निकाल दिए, लिख दिए। उसके बाद लेंथ ऑफ द डंपर, डंपर की जो लेंथ है 6 मीटर और 5.5 मीटर है, दो है। उसके बाद विड्थ, इसका विड्थ डंपर का विड्थ जो 1.7 मीटर दिया है, हाइट ऑफ डंपर 2 मीटर दिया गया है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए 6 + 5.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे इंटू 1.7 × 2 LBH है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 5.75 आएगा और इंटू 1.7 × 2 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 19.55 क्यूबिक मीटर आएगा। तो कोई भी, जब भी आप बालू खरीदे तो इसको इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें हमारा कितना आया है, 19.55 क्यूबिक मीटर। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।